दाहिनी तरफ से एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है। एम्बुलेंस और मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है पीछे सीट पर, लेटा हुआ था मुख्तार अंसारी। और ये काफिला अब मोहाली जिले में प्रवेश कर चुका है, रोपड़ जिले की सीमा खत्म हो चुकी है, मोहाली जिले में प्रवेश कर चुका है। इस तरह से यूपी पुलिस की गाड़ियां अगर कोई भी वाहन नजदीक आता है तो उसको दूर करने के लिए वहां मौजूद है। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां और पूरी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस जिस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जद्दोजहद की वो मौका आया और अब इन गाड़ियों को लेकर ये काफिला आगे बढ़ रहा है। पंजाब की जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की पुलिस रोपड़ जेल से लेकर निकल चुकी है। इस वक्त मुख्तार अंसारी का काफिला हरियाणा के शाहबाद पहुंचा हुआ है। यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लेकर जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्तार अंसारी को लेकर पुलिस कल सुबह तक बांदा पहुंच जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले पुलिस के काफिले ने पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर को क्रॉस किया है। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल इसी काफिले के साथ हैं। काफिले से उनकी हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे, आप ये रिपोर्ट देखिए। पहले पंजाब की सीमा खत्म हुई और हरियाणा का इलाका शुरू हुआ। मुख्तार अंसारी को लेकर रोपड़ से निकली उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें अब हरियाणा के एरिया में दाखिल हो गई हैं। हरियाणा शुरू हो गया है, ये आप देख रहे हैं। हम इस वक्त शंभू बैरियर पर हैं और शंभू बैरियर का ये NH1 यानी दिल्ली अमृतसर हाईवे है। अब सीधे इसी हाईवे पर यूपी पुलिस को मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के साथ सोनीपत तक आना है। और ये गाड़ियाँ 2:05 पर रोपड़ की जेल से निकली थी और उसके बाद अब 3:15 हो रहे हैं, यानी 1:10 के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पंजाब का इलाका पार कर लिया है। और ये एम्बुलेंस जो आगे आप देख रहे हैं पुलिस की गाड़ियों के आगे, इस एम्बुलेंस में यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी, उसके साथ डॉक्टरों की टीम है। और एम्बुलेंस को 6 यूपी पुलिस की गाड़ियां कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। 6 गाड़ियां नेशनल हाईवे नंबर 1 पर ये काफिला बढ़ रहा है सोनीपत की तरफ। और अब लगातार इसे तकरीबन 125 किलोमीटर इसी हाईवे पर चलना है। इससे पहले रोपड़ में मोहाली से होते हुए राजपुरा का रास्ता पकड़ते हुए ये शंभू बैरियर पर पहुंचे और NH1 शंभू बैरियर पर टच होता है। वहां से अब नेशनल हाईवे नंबर 1 पर ही इन गाड़ियों को दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना है और सोनीपत से ये बाएं घूमकर गाजियाबाद की साइड जाएंगी और वहां ये हरियाणा से उत्तर प्रदेश में क्रॉस कर जाएंगी। मुख्तार अंसारी पिछले 2 से रोपड़ की जेल में बंद था और एक्सटॉर्शन के केस में उसको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जब वापस उत्तर प्रदेश भेजने की बारी आई तो पंजाब पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश भेजने से इनकार कर दिया। हवाला दिया गया मेडिकल रिपोर्ट्स का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आदेश होने के बाद अब यूपी पुलिस मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल से वापस लेकर जा रही है और इसे बांदा जेल में बंद किया जाएगा। रोपड़ से बांदा का फासला तकरीबन 125 किलोमीटर का है और ये 16 से 17 घंटे लगते हैं। इस पूरे रास्ते में एबीपी न्यूज इस काफिले के साथ आपको बांदा की जेल तक पल पल की खबर देगा। फिलहाल अधिकारी इन गाड़ियों में इस एम्बुलेंस को जिसके अंदर मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है उसको लेकर बांदा की तरफ बढ़ रहे हैं और नेशनल हाईवे से आगे भी हम आपको पल पल का हाल देते रहेंगे, क्योंकि इस काफिले को बांदा पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा। और मेरे कई सहयोगी आगे भी बांदा तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस काफिले के ऊपर पल पल की नजर रखेंगे। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, नेशनल हाईवे नंबर 1, अंबाला। तो हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के काफिले के साथ हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बांदा में, जहां मुख्तार अंसारी को पहुंचना है। वहां पर हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी मौजूद है और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पंकज झा भी मौजूद है। जगविंदर, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि ये काफिला कहाँ पहुंचा है और मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि हवाई यात्रा करके क्यों नहीं ले जाया गया। इतना लौह लश्कर लेकर आप तमाम जगह से गुजर रहे हैं, तब जब सुरक्षा व्यवस्था आपको संभालनी है और बहुत खतरा है, ये कहा जा रहा है कि
मुख्तार अंसारी की जान को। पहला सवाल ये कि शोभना, अभी हमने कुरुक्षेत्र क्रॉस किया है और करनाल पहुंचने वाले हैं, मेरे आगे ये काफिला है, देखिए पुलिस की पूरी गाड़ियां और आगे एम्बुलेंस जा रही है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये NH1 पर ये 6 गाड़ियां हैं जिन्होंने बीच में एम्बुलेंस को घेरा हुआ है। 3 गाड़ियां, 2 बुलेरो और 1 ब्लू कलर की टाटा सुमो आगे है और पीछे 2 टाटा सुमो और ये जो मेरे आगे एक चल रही है गाड़ी, ये है 6 फॉर्मेशन में चल रही है। बीच में देखिए मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस जिसपे शीशों पे जो है कांच के ऊपर अखबार चिपकाए गए हैं। दूसरा सवाल आपका था हवाई यात्रा से, ये सुबह से ही हमारे मन में था कि इतना तामझाम करने की बजाय क्यों नहीं इसको जो है वो हेलीकॉप्टर से वहां ले जाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर कहना, मीडिया भी सवाल उठाता और तमाम लोग कहते कि इनको ये गुंडे हैं और इनको देखिए लाया भी जा रहा है तो हवाई जहाज से लाया जा रहा है। तो इस तरह की भी कई चीज़ों से बचने के लिए मेरे को लगता है कि जिस तरह से साधारण कैदियों को ले जाया जाता है उसी तरह से मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। एक विकल्प हो सकता था हवाई यात्रा का, लेकिन कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की भी ये सोच रही होगी कि हम इतने परेशान हुए हैं तो क्यों ना डॉन को भी थोड़ा परेशान किया जाए। मुझे ये लगता है कि इसी नियत से सड़क के रास्ते से ले जाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। और उत्तर प्रदेश के बांदा में जहां मुख्तार अंसारी को पहुंचना है, कल सुबह तक तकरीबन वो पहुंचेंगे, वहां पर मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी मौजूद है। संजय, किस तरीके की तैयारियां वहां पे, क्या अलग से कोई सेल बनाया जा रहा है, क्योंकि मुन्ना बजरंगी को जिस तरीके से बागपत जेल में मार दिया गया था उसके बाद कहीं ना कहीं चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी बड़ी है। देखिए शोभना, बांदा जेल में जो जेल के सुरक्षाकर्मी हैं उनमें खास तौर पर एक छटनी की गई है। छटनी इस तरह से है कि जो भी लोग पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखते हैं उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया है और जो उत्तर प्रदेश की अन्य जेलें हैं वहाँ से 5-5, 4-4 सिपाही जैसी जहाँ उपलब्धता है उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है और वो लगातार यहाँ आ भी रहे हैं। देर शाम तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जिसके बाद में ये कहा जाएगा कि अब पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं, जिससे कि मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई कोई सूचना बाहर आ ना सके या बाहर से उसको कोई सूचना अंदर ना दी जा सके। ये पूरा जो प्रबंध किया गया उसके पीछे मंशा कुछ इस तरह की है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि बैरिकेडिंग तमाम जगह लगाई गई, चूँकि मुख्तार का जो काफिला गाजियाबाद से आएगा वो नोएडा, मथुरा, आगरा होते हुए फिर NH2 से और फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर और फतेहपुर में दाखिल होगा। तो ये जो 8-7 जिले बीच में पड़ेंगे NH2 के, इन पर खास तौर पर अलर्ट किया गया है कि चूँकि इनमें पब्लिक का इंटरफेरेंस बहुत हो सकता है, कई जगह कट हैं, तो ऐसे में यहाँ की जो संबंधित जिले हैं वहाँ के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मुख्तार अंसारी के काफिले को पूरी सुरक्षा दी जाए, कोई भी अवांछनीय गाड़ी, कोई वाहन ऐसा ना अंदर फ्लीट में प्रवेश कर जाए जिससे कि मुख्तार की सुरक्षा को खतरा हो, तो ये अलर्ट पर रखे गए हैं। इसके अलावा जब फतेहपुर से काफिला उसका बांदा में दाखिल होगा तो जगह जगह पर बैरिकेड किया गया है। माना जा रहा है कि कल तड़के मुख्तार अंसारी बांदा में प्रवेश करेगा और ऐसे में बांदा जेल के ठीक के सामने का जो रास्ता है वो पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा सामान्य यातायात से, यानी आम लोगों को उस पर चलने की इजाज़त तब तक नहीं रहेगी जब तक कि मुख्तार अंसारी सुरक्षित रूप से जेल के भीतर अंदर नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है। और अब न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़ रहे हैं। पंकज झा, मैं सियासी मायने भी इस पूरी खबर के समझना चाहूंगी। आप देख सकते हैं पूरे लॉ लश्कर के साथ मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से निकले हैं और अब वो बांदा सुबह पहुंच जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार पूरा क्रेडिट ले रही है इस बात का कि देखिए मुख्तार अंसारी को हम वापस लेकर आए। सियासी मायने मैं समझना चाहूंगी। शोभना, देखिए पहले ये कहा जा रहा था कि एक ADG रैंक का IPS अधिकारी जाएगा लेने के लिए, फिर लेकिन 2 DSP तरह के, यानी कि आम कैदी की तरह उसे लाया जा रहा है ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है यूपी पुलिस की तरफ से। दूसरी बड़ी बात आप जो कह रहे हैं ना सियासी मायने, देखिए अगले साल की शुरुआत में वहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं और योगी आदित्यनाथ जो बार बार कहते रहे हैं कि यहाँ पर अधिक अपराधियों की नहीं चलेगी, वो अगर उनको यहाँ रहना है तो उनकी शर्तों पर रहें, नहीं तो उनको कहाँ ठिकाने लगा देंगे, आप जानते हैं इनकाउंटर की पॉलिसी है। तो ये बताने और समझाने के लिए बहुत अच्छा होगा अगले साल की शुरुआत में जब चुनाव हो रहे होंगे। एक तो मुख्तार अंसारी जिस बिरादरी से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से, वो नैरेटिव में फिट बैठता है। फिर वो योगी का वो कहना कि यहाँ पर अपराधियों को हम ही, हमारी ही सरकार सजा दे सकती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती, और आप जानते हैं किस तरह से ताल्लुकात रहे हैं, मुख्तार अंसारी खुद BSP से विधायक हैं,
समाजवादी पार्टी से उनका रिश्ता रहा है, उनका रिश्ता कांग्रेस पार्टी से भी उनके परिवार का रहा है, तो ये एक तरीके से इसके राजनीतिक मायने बहुत दूर तलक तक विधानसभा में बड़ा मुद्दा होगा शोभना, ये मानकर चलिए आप। बिल्कुल पंकज झा, ब्रजेश सिंह जो कि राइवल ग्रुप माना जाता है मुख्तार अंसारी का, वो भी जेल के भीतर मौजूद है, ऐसे में बांदा जेल में जब मुख्तार अंसारी पहुंचेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई वो लोग, कोई वो बदमाश जो कि ब्रजेश सिंह से रिलेटेड हो वो उस जेल में मौजूद हो और कहीं कोई अप्रिय घटना हो जाए, इस सबका ध्यान मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और चिंता वाजिब भी है जिसकी बात मुख्तार अंसारी की पत्नी, उनके परिवार के लोग कहते रहे सुप्रीम कोर्ट से लेकर आज तक भी, और देखिए इससे पहले भी मुन्ना बजरंगी की जिस तरीके से बागपत जेल में 2018 में हत्या हुई है, मुख्तार अंसारी पर इससे पहले भी जेल में हमला हो चुका है, तो एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए बांदा जेल में इस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और फिर आगे जब प्रयागराज के नैनी जेल मुख्तार को ले जाया जाएगा वहाँ भी उसी तरीके से इंतजाम किए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आगे यूपी सरकार की नाक न कटे कम से कम। बिल्कुल ठीक है जगविंदर पटियाल, क्योंकि इस काफिले के साथ मौजूद हैं जगविंदर, आप बता रहे हैं पूरे लॉ लश्कर के साथ, एम्बुलेंस भी है, सुरक्षा का भी खूब व्यवस्था की गई है, क्या ये काफिला कहीं पर रुकता भी है बीच में खाना पानी खाने और पानी वगैरह के लिए? तो 2.25 घंटे का टाइम होने लगा है, मुझे लगता है कि गाड़ियों की रफ्तार जो है ना वो 90 और 100 से कम नहीं आती, आप रुकने की बात कहाँ कर रहे हैं, ये तो मतलब फुल स्पीड से जो गाड़ियाँ दौड़ रही होती हैं जिस तरह से जेड प्लस सुरक्षा में लाया जाता है उस हिसाब से दौड़ रही हैं, खाने पीने की दूर की बात है, यहाँ गाड़ी 50 से नीचे नहीं आती है, तो उसका स्पीडोमीटर जो है वो 90 और 100 के बीच में ही रहता है, फुल रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही हैं, कहीं कोई हॉल्ट कहीं कोई ब्रेक कुछ नहीं दिया है, केवल इन 6 गाड़ियों के बीच में किसी भी गाड़ी को आने नहीं दिया जा रहा है, और एम्बुलेंस आप देख रहे होंगे वे सामने, इसी एम्बुलेंस में लेटा हुआ है मुख्तार अंसारी। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम कोशिशों के बावजूद जो प्रयास किया वो प्रयास सफल रहा, और पंजाब सरकार ने बचाने की जो मुख्तार अंसारी को तमाम कोशिशें की वो कोशिशें आज फेल हुई, और बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज इस बात का गवाह बन रहा है, और एबीपी न्यूज ने ही ये मसला सबसे पहले उठाया था, इसीलिए आपका चैनल हमेशा आगे रखता है शोभना, हम कहते हैं, और अब भी पूरे काफिले में हम पल पल की जानकारी दे रहे हैं, बांदा तक देते रहेंगे हमारे सब सहयोगी। बिल्कुल ठीक है, संजय त्रिपाठी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संजय त्रिपाठी, बांदा जेल कल सुबह तक पहुंच जाएंगे मुख्तार अंसारी, उसके बाद नैनी जाना है उनको प्रयागराज की जेल में, लगभग कितने दिन उनको रहना है यहां पर, क्या ये कुछ तय हुआ है बांदा जेल में? देखिए शोभना, अभी इस तरह की कोई तैयारी नहीं कि उनको नैनी जेल ले जाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं उससे ये लग रहा है कि अभी इनको बांदा जेल में ही रखना होगा। एमपी एमएलए कोर्ट में इनकी पेशी होनी है, वहीं से तय होना है कि नैनी जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिलहाल बांदा जेल में इंतजाम काफ़ी पुख्ता कर दिए गए हैं, वहाँ जो सिक्योरिटी कैमराज हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है, खास बात यह भी है कि जहाँ मुख्तार अंसारी बैरक नंबर 15 में जहाँ इनको रखा जाना है वहाँ एक कैमरा अलग से लगाया गया जो मुख्तार की पूरी गतिविधियों को रिकॉर्ड करेगा, साथ ही साथ जो जेल में बीते दिनों गए कैदी हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है कि किन अपराधों में गए हैं, कहीं उनमें कोई मुख्तार का गुर्गा या कोई शूटर किसी छोटे मोटे अपराध में तो नहीं चला गया है। इसके अलावा आसपास जेल की ऐसी सूचना आ रही थी कुछ लोग मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं वो कहीं किराए के मकान को लेकर के तो नहीं रह रहे हैं, तो इसकी भी सत्यापन हो रहा है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन सब तैयारियों को देखते हुए कम से कम 10 दिन अभी हाल फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में ही रहेंगे, उसके बाद एमपीएमएलए कोर्ट तय करेगा कि इनको कहाँ रखा जाना है। मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल ले जाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री जय कुमार सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सर, क्या व्यवस्था की गई है बांदा जेल में लाने के लिए मुख्तार अंसारी के लिए? बांदा जेल में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए हैं, जितनी अधिक सुरक्षा उनको ज़रूरत है, प्रशासन को लगता है कि इस तरीके है। इसमें सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और बैठक में जो निर्णय हुआ है उसमें यह है कि सुरक्षा का उन्हें पूरी तरह प्रबंध किया जाएगा। उस क्या कोई विशेष बैरक जिसमें मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा? पिछली बार वो बैरक नंबर 15 है जो अलग बैरक है और उसी पर जिसमें पिछली बार थे उसी पर रहेंगे। क्या जेल में इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया गया है? हाँ, कई वहाँ कर्मचारियों की जो भी कमी थी उसे कर्मचारी और अधिक भेजे गए हैं, बंदी रक्षक हम जितनी ज़रूरत थी वहाँ के अधीक्षक के द्वारा जो डिमांड आई थी उसके अनुसार वहाँ पे और अधिक लोग लगाए गए हैं।
तो उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री जयकुमार सिंह को आपने सुना, मेरे सहयोगी जगविंदर पटिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो उस काफिले के साथ मौजूद हैं जिसमें मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। जगविंदर, कहाँ पहुंचे हैं आप और अभी हरियाणा पंजाब बॉर्डर के आसपास हैं, उत्तर प्रदेश बॉर्डर में कितनी देर में आप प्रवेश कर जाएंगे? अभी हम करनाल पहुंच गए हैं, करनाल लगभग क्रॉस कर लिया है हमने, तो आप ये मान लीजिए कि आधा हरियाणा क्रॉस हो चुका है और इसके बाद पानीपत आएगा और फिर सोनीपत, सोनीपत से हम लेफ्ट घूम जाएंगे तो गाजियाबाद में हम उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। मुझे ये लगता है कि अगले एक घंटे के अंदर अंदर, एक डेढ़ घंटे में जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का ये पूरा काफिला मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश की जद में घुस जाएगा। और अभी करनाल के फ्लाईओवर पर काफिला चल रहा है, बिल्कुल उसी फॉर्म में है, तीन तीन गाड़ियां जो हैं आगे पीछे एम्बुलेंस के चल रही हैं और नेशनल हाईवे एक पर सोनीपत तक इसी रास्ते से आना है। तो अगले एक डेढ़ घंटे के बाद जो है हम उत्तर प्रदेश में घुसने वाले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा, आपका भी, जगविंदर आपका भी। और अब मातृभूमि में हम रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फिलहाल मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत।